मेरा नाम कमर जमान है, मैं यहाँ पर नेशनल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट शिंकियारी में PSO के तौर पर काम कर रहा हूँ। हमारा ये जो गार्डन आपके पीछे नज़र आ रहा है, तकरीबन 35 एकड़ पर ये मुहित है। और ये मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में चाय का आगाज़ 1958 में हमारे एक ज़मींदार थे रुस्तम खान बफा के, उन्होंने सबसे पहले चाय को यहाँ पर लगाया। 1971 में जब बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया तो फिर चाय का सारा जो था डिपेंडेंट हमारा पाकिस्तान के अपने इस पर था। यहाँ पर ये तीन चीज़ें होंगी, सेल एसेडे को टेम्परेचर जो है 35 से ऊपर ना जाए, और एनुअल रेनफॉल जो है वो तकरीबन वह 1000 मिलीमीटर हो, तो उन एरियाज में चाय जो है कामयाबी से लगाई जा सकती है। चाय की जो है प्रोडक्शन वो अप्रैल से शुरू होती है और तकरीबन अक्टूबर तक चलती रहती है। तो हम जो है हर प्लांट में से अपने हफ्ते या 10 दिन के बाद प्लकिंग करते हैं, फिर उसको जाकर ब्लैक टी प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर जो है उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिसके जो चाय बनाने के लिए ब्लैक टी के लिए जो है सबसे पहले उसकी हम विदरिंग करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, फिर CTC होता है, फिर फर्मेंटेशन होता है, फिर आखिर पर जो है वो ब्लेंडिंग होती है। दुनिया में सबसे पहला नंबर जो है वो तुर्की की चाय है और दूसरा नंबर जो है वो पाकिस्तानी शिंकियारी वाली चाय है। यहाँ की चाय तो बहुत मशहूर है क्योंकि पाकिस्तान की मशहूर तीन पत्ती यहाँ शिंकियारी में होती है। यहाँ पर तो बहुत अच्छे बागात हैं।